हेलो एंड वेलकम बैक टू गाड़ीवाड़ी.com। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट गौरव यादव और मैं आपका स्वागत करता हूं गाड़ीवाड़ी.com की यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों आज हम आए हैं हैदराबाद के अंदर चलाने एक ऐसी गाड़ी को जो काफ़ी महीने से आप लोग इंतजार कर रहे थे उस गाड़ी के लॉन्च होने का, किया मोटर्स कार्निवल MPV या लग्जरी MPV है, उसको लॉन्च करने वाला है ऑटो एक्सपो के दौरान। और उस गाड़ी को आज हम चलाने आए हैं और दोस्तों देखते हैं कैसा है वो प्रोडक्ट, क्यों खास है और कहां पर वो राइवल करने वाला है, किन किन गाड़ियों को राइवल करने वाला है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों ये है किया कार्निवल, एक लग्जरी MPV है और इस गाड़ी को लॉन्च किया जाना है 2020 ऑटो एक्सपो के दौरान। 5 फरवरी को इस गाड़ी की प्राइस अनाउंसमेंट होने वाली भारत के अंदर। इसके अलावा लगभग 40 कार्स को शोकेस किया जाएगा ऑटो एक्सपो 2020 में। आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर वो वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें हमने बताया है तमाम उन 40 कार्स के बारे में जो ऑटो एक्सपो के दौरान शोकेस की जाएंगी। कार्निवल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डायमेंशंस की। तो लगभग 500 मिलीमीटर ये लंबी है इनोवा क्रिस्टा के मुकाबले। टोयोटा की वेलफायर और मर्सिडी वी क्लास जिस सेगमेंट में राइवल करने वाली है, जिन गाड़ियों के साथ राइवल करने वाली है लग्जरी MPV सेगमेंट के अंदर, उन गाड़ियों से भी कहीं ना कहीं इसकी लेंथ ज़्यादा है। और विड्थ की अगर मैं बात करूँ तो इनोवा से अगर मैं कंपेयर करूँ, क्योंकि आपने काफ़ी सारे लोगों ने इनोवा से कंपेयर करने की कोशिश की है, उस सेगमेंट से बिल्कुल अलग सेगमेंट रहने वाला है किया कार्निवल का। और इनोवा से लगभग 200 मिलीमीटर इसकी विड्थ भी ज़्यादा रहने वाली है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं डिज़ाइन की। तो सबसे पहले अगर आप फ्रंट में देखेंगे तो देखते ही आपको ये गाड़ी पसंद आने वाली है। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको इसका डिज़ाइन पसंद ना आए। काफ़ी बड़ी आपको हेडलाइट्स मिलती हैं, प्रोजेक्टेड हेडलैम्प मिली है, LED DRL दी गई इस गाड़ी के अंदर, काफ़ी बड़ी दिखने वाली इसके अंदर आपको ग्रिल मिलेगी, LED फॉग लाइट्स हैं वो मिलेंगी टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के अंदर, और बेस ट्रिम के अंदर आपको प्रोजेक्टर फॉग लाइट्स मिलेंगी। फ्रंट से काफ़ी स्पोर्टी, काफ़ी रिफ्रेशिंग और काफ़ी प्रीमियम डिज़ाइन है किया कार्निवल का। कलर इस गाड़ी के अंदर आपको मिलेंगे 3, एक है ब्लैक, एक है सिल्वर और एक है वाइट। और बात करें साइड डिज़ाइन की तो साइड से दोस्तों इस गाड़ी के अंदर आपको 18 इंच के जो अलॉय व्हील्स हैं वो स्टैंडर्ड मिलने वाले हैं। टॉप ऑफ द लाइन जो लिमोजिन वेरिएंट है इसके अंदर आपको क्रोम पेंटेड आपको अलॉय व्हील्स मिलेंगे। उसके अलावा जो दो वेरिएंट है उसके अंदर आपको मिलेंगे डायमंड कट के 18 इंच के अलॉय व्हील्स, बाकी कोई आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। ऑटो की बेजिंग मिली है फेंडर के ऊपर, साइड टर्न इंडिकेटर्स ORVM के ऊपर है, क्रोम डोर हैंडल स्टैंडर्ड रखे गए हैं, रूफ रेल्स को स्टैंडर्ड रखा गया है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये विंडो लाइन है इसके ऊपर भी क्रोम आपको मिलने वाली है। पीछे की अगर हम बात करें तो टेल लाइट भी जो है इस गाड़ी की वो प्रीमियम नज़र आती है, LED टेल लाइट्स दी गई हैं, डिज़ाइन काफ़ी सिंपल एंड सोबर रखा गया है, प्रीमियम रखा गया है। पीछे भी आपको क्रोम एप्लिक मिलती है इसके बूट डोर के ऊपर, इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड टेल गेट मिला है इस गाड़ी को, सिर्फ आपको टच से ही बूट ओपन हो जाएगा। और बूट स्पेस की मैं बात करूँ दोस्तों तो बूट स्पेस इस गाड़ी के अंदर ये 7-सीटर वर्जन है जिसमें 3 सीट्स पीछे लगाई गई हैं, कैप्टन सीट्स हैं मिडल के अंदर और फ्रंट में 2 आती हैं सीट्स, तो टोटल ये 7 सीट्स हैं। इसके अंदर 8-सीटर ऑप्शन भी आता है। बूट का मैं आपको आइडिया देता हूँ कितना बड़ा बूट है इस गाड़ी का। काफ़ी नीचे तक बूट बनाया है इस गाड़ी के अंदर, काफ़ी सारा आपका सामान इसके बूट के अंदर आ जाता है दोस्तों। और अगर आपकी छोटी फैमिली है, 4 से 5 लोग कहीं ट्रैवल करने वाले हैं, लंबे रूट के ऊपर जाने वाले हैं, तो आपको सिर्फ इस लीवर को पुल करना है ऐसे। काफी सारा सामान आ सकता है दोस्तों। आप की से भी बूट को ओपन कर सकते हैं, आपको सिर्फ रिमोट पे बटन प्रेस करना है, की से आप बूट को ओपन कर सकते हैं, रोक सकते हैं अगर आपको जहाँ पे रोकना है, और वापस भी बंद कर सकते हैं की से ही। ऑल 4 टायर्स के अंदर डिस्क ब्रेक है वो स्टैंडर्ड मिलेगा आपको किया कार्निवल के अंदर दोस्तों। उसके अलावा की में एक और कमाल का ऑप्शन है, आपको टच करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप रिमोट की से ही इसके जो साइड डोर है उसको ओपन कर सकते हैं। एक बटन यहाँ पर लगाया गया, आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप अंदर बैठे हैं तो जो इसका बी पिलर के ऊपर भी एक बटन लगाया गया है, यहाँ से भी आप इसके मिडिल डोर है इसको आप ऑपरेट कर सकते हैं। और ड्राइवर भी जो सनरूफ के आसपास के जो कंट्रोल है वहाँ पे इसका एक बटन लगाया गया है, वहाँ से भी डोर्स को ओपन या बंद कर सकते हैं। पीछे वाला डोर आपको कौन से साइड का ओपन करना है ये भी आप डिसाइड कर सकते हैं, की फोब के अंदर दिए गए हैं 2 ऑप्शन।
ये हो गया बंद। अगर हमें राइट साइड का डोर ओपन करना है तो वो भी हम ओपन कर सकते हैं, यहाँ से बूट ओपन कर सकते हैं। तो जो लग्जरी सेगमेंट की जो बाकी गाड़ियाँ थी वैसी की फोब दी गई है इसके अंदर। और दोस्तों बात करें जो स्टैंडर्ड फीचर्स हैं इस गाड़ी के अंदर, तो इसके बेस एंड ट्रिम में इतने सारे फीचर्स हैं जो आपको टोयोटा फॉर्च्यूनर के टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के अंदर भी नहीं मिलते हैं दोस्तों। कीमत इस गाड़ी की कहीं ना कहीं 30 लाख के आसपास से स्टार्ट हो सकती है, और उस कीमत में ये एक काफ़ी अफोर्डेबल चॉइस रहने वाली है उन कस्टमर्स के लिए जो मर्सिडीज वी क्लास या टोयोटा वेलफायर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। टोयोटा वेलफायर को मिलने वाला है सिर्फ पेट्रोल इंजन, पेट्रोल हाइब्रिड इंजन के साथ में लॉन्च किया जाना है उस गाड़ी को, और उसके कीमत कुछ 80 लाख रुपीज़ रखी जा सकती है, जो एक्सपेक्टेड कीमत है कार्निवल से उससे डबल रहने वाली है टोयोटा वेलफायर की कीमत, और वी क्लास की भी लगभग 80 लाख के आसपास से कीमत स्टार्ट होती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं किया कार्निवल के फीचर्स के बारे में, क्या क्या फीचर्स मिले हैं इंटीरियर के अंदर इस गाड़ी को। दोस्तों काफ़ी वाइड है ये गाड़ी, अगर डिमेंशंस जो है इसकी लगभग 2000 मिलीमीटर इसकी विड्थ है वो आपको फील होगा गाड़ी के अंदर बैठते ही। सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है इसके डैशबोर्ड के ऊपर, ब्लैक एंड बेज कलर रखा गया इसका, पियानो ब्लैक फिनिश का भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, काफ़ी बड़े बड़े डायल्स दिए गए हैं इसके स्पीडो कंसोल के अंदर, स्क्रीन भी मिली है सेंटर के अंदर, जो डोर पैनल है उसके ऊपर भी सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट के अंदर आपको लेदर रैपिंग मिलेगी इसके स्टेयरिंग व्हील के ऊपर, क्रूज कंट्रोल और बाकी सारे कंट्रोल्स के ऑप्शंस बटन लगाए गए इसके स्टीयरिंग व्हील के ऊपर। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलेगा इस गाड़ी के अंदर आपको, स्टैंडर्ड आप मैनुअल वेरिएंट नहीं आएगा। 2.2 लीटर का इंजन है ये, परफॉर्मेंस फिगर्स की बात हम करेंगे बाद में। काफ़ी बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम है, हार्मन कार्डोन के आपको स्पीकर्स मिलने वाले हैं इस गाड़ी के अंदर, काफ़ी सारे बटन्स दिए गए हैं, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, 3 जोन का एसी मिला है। नॉर्मली सिंगल जोन या ड्यूल जोन एसी आता है, इसमें आपको ट्राई जोन का एसी मिलेगा आपको, और सनरूफ आपको इस गाड़ी के अंदर मिलने वाली है दोस्तों, दो फ्रंट की सनरूफ अलग है और एक सनरूफ मिली है पीछे, आप यहीं से पीछे वाले जो डोर्स हैं उनको ओपन या क्लोज कर सकते हैं दोनों साइड्स के। यहां पर अगर आप देखेंगे तो इसमें जो है कन्वर्जेशन मिरर लगाया गया है, बात कर सकते हैं आप, पीछे देखने की जरूरत नहीं है बार बार, इसी मिरर के थ्रू आप सब लोगों से बात कर सकते हैं, सब लोगों का चेहरा दिखाई देगा आपको। काफ़ी बड़ी एक तो आर्मरेस्ट मिली है इस गाड़ी के अंदर, इसी के अंदर यहाँ पर सनग्लास होल्डर दिया गया है, 12 वोल्ट का एक पावर सॉकेट दिया गया है और यूएसबी चार्जिंग दी गई है। दो कप होल्डर्स आपको मिले हैं इसके फ्रंट पैनल के अंदर, आप यहाँ पे भी रख सकते हैं दो बॉटल्स को, और मोबाइल चार्जिंग वायरलेस का ऑप्शन आपको मिलेगा इस गाड़ी के अंदर टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के अंदर। यूएसबी चार्जिंग एक आपको यहाँ पे मिलने, और इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो तमाम जैसे फीचर्स मिलेंगे। यू कनेक्ट जो सेल्टोस के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था वो फीचर भी आपको मिलेगा, जो कनेक्टिविटी फीचर्स है लगभग 33 फीचर्स मिलते हैं उस यू कनेक्टिविटी के अंदर। आपको एक छोटा सा ग्लोबॉक्स मिलता है और एक ग्लोबॉक्स नीचे है। ड्राइवर सीट को इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकता हूँ, लंबर स्पोर्ट भी दिया गया है जो आप इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हैं, बट ये आपको सिर्फ टॉप ऑफ द लाइन जो लिमोजिन वर्जन है उसके अंदर मिलने वाला है दोस्तों। सनरूफ भी आपको टॉप ऑफ द लाइन एंड इससे जो एक नीचे वेरिएंट है उसमें मिलेगा, बेस वेरिएंट के अंदर आपको सनरूफ नहीं मिलेगी। हेडरूम सफिशिएंट है और शोल्डर रूम की तो बात ही ना करें तो अच्छा है, काफ़ी सारा स्पेस दिया गया है। और दोस्तों पीछे कैसा स्पेस है उसकी भी बात कर लेते हैं हम। डोर हैंड यहाँ पे हैंडल्स लगाए गए हैं पकड़ के आराम से, आपको बैठने में आपको तो परेशानी नहीं होगी, बट अगर थोड़े से ओल्ड एज लोग हैं उनको परेशानी हो सकती है। और फुटरेस्ट नहीं है इसके अंदर, स्टैंडर्ड शायद एसेसरीज का पार्ट रहने वाला है दोस्तों। पीछे भी एसी के कंट्रोल्स दिए गए इस गाड़ी के अंदर, कर्टेंस आपको मिलने वाले हैं टॉप 2 ट्रिम्स के अंदर। रियर सीट एंटरटेनमेंट का भी आपको एक ऑप्शन मिलेगा, स्क्रीन लगाई गई है, ड्राइवर एंड को ड्राइवर है उस सीट के पीछे, काफ़ी कम्फर्टेबल सीट्स ऑफर करती है ये गाड़ी। पीछे वाले डोर्स के ऊपर भी सॉफ्ट टच प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है, ब्लैक एंड बेज आपको पीछे भी मिलेगा। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो वीआईपी सीट्स हैं टॉप ऑफ द लाइन लिमोजिन वर्जन के अंदर। लॉन्ग ड्राइव के ऊपर आपकी काफी मदद करने वाला है ये फीचर। थर्ड रो की भी बात कर लेते हैं, थर्ड रो में कैसा स्पेस ऑफर करती है ये गाड़ी। थर्ड रो में जाने के लिए आपको, तो दोस्तों अब मैं हूँ किया कार्निवल की थर्ड रो के अंदर, पीछे भी कप होल्डर्स मिले हैं, पीछे भी आपको
कर्टेन्स मिलते हैं पीछे वाली सीट के ऊपर और आर्मरेस्ट दी गई है साइड पैनल के ऊपर। दोस्तों हेडरूम की मैं बात करूं तो मेरी हाइट लगभग 6'1" के आसपास है, उसके बावजूद काफ़ी अच्छा हेडरूम ऑफर करती है, सीटिंग पोजीशन काफ़ी अच्छी है और थर्ड रो में भी आप सीट को रिक्लाइन कर सकते हैं। काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स ऑफर करती है किया कार्निवल। लेगरूम की अगर हम बात करें तो इंडिया में कोई भी गाड़ी जो मास सेलिंग प्रोडक्ट है 7 सीटर, उसके अंदर ऐसा आपको थर्ड रो के अंदर स्पेस नहीं मिलने वाला, ना तो इस तरह का हेडरूम है, ना इस तरह का लेगरूम मिलता है और इस तरह का कंफर्ट कोई भी गाड़ी जो 7 सीटर गाड़ी है मास सेलिंग मार्केट के अंदर ऐसा नहीं ऑफर करती है। दोस्तों किया कार्निवल के अंदर एक 4 रो वर्जन भी है, उसके अंदर जो मिडिल रो है उसका जो लेगरूम है वो काफ़ी कम है, जो उसके बाद जो थर्ड रो है उसका लेगरूम काफ़ी कम है और उसके बाद एक और रो को ऐड किया गया 4th रो जो बूट है उसके ऊपर, तो उसमें आप 9 लोग बैठ सकते हैं बट उसमें लेगरूम में आपको थोड़ी सी शिकायत हो सकती है गाड़ी के साथ में। पीछे की सनरूफ की मैं बात कर रहा था, पीछे भी आपको सनरूफ मिलती है कि या कार्निवल के अंदर 2 सनरूफ दी गई हैं और ये अब बच्चों को काफ़ी पसंद आने वाली है दोस्तों, और उन लोगों को भी काफ़ी पसंद आने वाली है जो इससे निकल कर बोलने वाले हैं। भाइयों और बहनों, माला पहन के जो लोग आते हैं ना, जो पॉलिटिशियन टाइप के लोग होते हैं, उनको ये गाड़ी काफ़ी पसंद आने वाली है, रैली के दौरान काफ़ी मदद करेगी उनको। पीछे वाली सनरूफ, आगे वाली सनरूफ से निकलने में काफ़ी दिक्कत होती थी या ओपन गाड़ी में चलने में दिक्कत होती थी, तो किया कार्निवल उनकी काफ़ी मदद करने वाली है और हो सकता है कि ये अब आपको जो पॉलिटिशियंस की जो फ्लीट है गाड़ियों की उसके अंदर देखने को मिलेगी। वाइट कलर, ब्लैक कलर और सिल्वर कलर, 3 कलर आते हैं किया कार्निवल के अंदर। दोस्तों गाड़ी से बाहर निकलना और बैठना काफ़ी आसान है। दोस्तों अगर मैं दिखाऊं आपको यहाँ पर, तो ये है मिडल रो, काफ़ी सारे अगर आप देखेंगे तो ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पर, आप सीट को आगे पीछे कर सकते हैं, इसको साइड में फ्रंट में मूव कर सकते हैं, एक सीट को आप सेंटर के अंदर भी फिट कर सकते हैं जो 8 सीटर वेरिएंट है उसके अंदर, और काफ़ी आराम से आप इसको बंद भी कर सकते हैं। दोस्तों सेफ्टी फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो ऑल 4 टायर्स के अंदर डिस्क ब्रेक दिया गया है, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के अंदर आपको कर्टन एयरबैग्स भी मिलने वाले हैं, फ्रंट एंड रियर एयरबैग्स आपको मिलेंगे, व्हीकल डायनामिक कंट्रोल, व्हीकल कॉर्नरिंग ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे आपको इस गाड़ी के अंदर। दोस्तों अब बात कर लेते हैं ड्राइविंग डायनामिक्स कैसे हैं किया कार्निवल के और परफॉर्मेंस कैसी ऑफर करती है ये गाड़ी। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस फिगर्स की किया कार्निवल की, तो इस गाड़ी के अंदर आता है 2.2 लीटर का टर्बोचार्ज डीजल इंजन जो तकरीबन 200 पीएस के आसपास की पावर और 440 एनएम की टॉर्क डिलीवर करता है। और दोस्तों अगर आप हिल्स के ऊपर आते जाते रहते हैं तो वहाँ पर थोड़ी सी आपको अंडर पावर लगने वाली है किया कार्निवल, 200 पीएस की पावर है वो आपको फील नहीं होगी इस गाड़ी के अंदर, अगर आप इसको हिल्स के ऊपर चलाने वाले हैं थोड़ी सी आपको अंडर पावर लगेगी। एक तो फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी है ये और बॉडी वेट काफ़ी ज़्यादा है, अगर आप क्रिस्टा से कंपेयर करें तो क्रिस्टा आपको ज़्यादा स्पोर्टी या ज़्यादा पावरफुल फील होने वाली है किया कार्निवल के सामने। और इस गाड़ी के अंदर आपको 7 के साथ साथ 8 और 9 सीटर ऑप्शंस भी मिलने वाले हैं, 4 रो मिलने वाली हैं, और अगर सब सीट्स के ऊपर पैसेंजर बैठ जाएंगे तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ी सी और पावर कम फील होगी इस गाड़ी के अंदर, अगर गाड़ी के अंदर और बॉडी वेट बढ़ता है। पावर थोड़ी सी और दी जा सकती थी इस गाड़ी के अंदर, हालांकि इसके अंदर 8 स्पीड का गियरबॉक्स दिया गया है जो काफ़ी अच्छी ड्राइव ऑफर करता है, काफ़ी स्मूथ ड्राइव ऑफर करता है, जक्स फ्री ड्राइव ऑफर करता है, आपको टर्बो लैग फील नहीं होता, ग्रेजुअली स्पीड पकड़ती है गाड़ी और 2000 आरपीएम के आसपास जब आप पुश करते हैं गाड़ी को तो एकदम से जो इंस्टेंट बूस्ट आता है वो आपको फील होगा इसके स्टीयरिंग के अंदर भी। फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी है इसलिए हार्ड पुश करने के ऊपर आपको इसका स्पोर्टी कैरेक्टर दिखाई देता है, 130-140 तक की स्पीड के ऊपर भी आपको काफ़ी एक स्मूथ ड्राइव ऑफर करती है किया कार्निवल। दोस्तों ड्राइवर्स कार तो नहीं है ये बट अगर आप इसकी ड्राइवर सीट के ऊपर बैठकर गाड़ी को चलाते हैं तो आपको मज़ा आने वाला है इस गाड़ी को, हालांकि आपकी अगर बड़ी फैमिली नहीं है, छोटी फैमिली है, थोड़ी झिझक हो सकती है आप इस गाड़ी को जब निकालेंगे अकेले चलाने के लिए, फैमिली के साथ जाने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। ड्यूल सनरूफ मिली है गाड़ी के अंदर, काफ़ी बड़े विंडो ग्लासेस मिले हैं इस गाड़ी के अंदर, ड्राइव काफ़ी स्मूथ ऑफर करती है, और डायनामिक्स की मैं बात करूँ तो सस्पेंशन काफ़ी स्मूथ ऑफर करती है क्रिस्टा से, मैं कंपेयर कर लेता हूँ क्योंकि मैं खुद भी क्रिस्टा ओनर रहा हूँ, 3 साल मैंने उस गाड़ी को रखा है, उसके कंपैरिजन में इसका एक तो इंजन जो है उसकी नॉइस केबिन के अंदर नहीं आती है, बिन काफ़ी इंसुलेटेड है, दूसरा इंजन काफ़ी स्मूथ है, गियर्स शिफ्ट करते टाइम भी आपको जग्स नहीं लगते, टर्बो लैग आपको फील नहीं होता है, और सस्पेंशन काफ़ी अच्छे ट्यून किए गए इस गाड़ी के, कंफर्टेबली आप गाड़ी को निकाल सकते हैं खराब रास्तों के ऊपर से, आपको
गाड़ी के अंदर ज़्यादा झटके फील नहीं होते हैं दोस्तों। और बात करूँ तो कॉर्निंग स्टेबिलिटी की मैं बात करूँ तो थोड़ा सा बॉडी वेट ज़्यादा है तो आपको झिझक रह सकती है। हालांकि व्हीकल डायनेमिक कंट्रोल और कॉर्नरिंग ब्रेक फंक्शन दिया गया है इस गाड़ी के अंदर, सेफ्टी के तमाम फीचर्स दिए गए हैं बट उनको स्टैंडर्ड नहीं रखा गया है। व्हीकल डायनेमिक कंट्रोल को एटलीस्ट स्टैंडर्ड रखा जा सकता था क्योंकि अगर आप हाई स्पीड के ऊपर अगर आप बेस वेरिएंट चला रहे हैं इस गाड़ी को और हाई स्पीड के ऊपर आप कॉर्नरिंग करते हैं तो थोड़ा सा डर रहता है गाड़ी कहीं सीट ना हो जाए या फिर आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। गाड़ी की डायमेंशंस काफ़ी बड़ी हैं, ये कारण है उस चीज़ का। और ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है, ऑल फोर टायर्स के अंदर डिस्क ब्रेक दिया है, ABS EBD स्टैंडर्ड रखे गए हैं गाड़ी के अंदर। टर्निंग रेडियस ठीक ठाक है दोस्तों, जिस हिसाब से इसकी डायमेंशन है उसके लिहाज से अगर आप देखेंगे तो टर्निंग रेडियस काफ़ी अच्छा ऑफर करती है गाड़ी। दोस्तों राइड क्वालिटी की बात करूं तो राइड क्वालिटी काफ़ी अच्छी ऑफर करती है गाड़ी। इनफैक्ट सब 50 लैक सेगमेंट के अंदर वन ऑफ द बेस्ट कार है जो राइड क्वालिटी ऑफर करती है, चाहे वो फ्रंट सीट की बात हो, चाहे मिडिल सीट की बात हो या थर्ड रो की बात हो। जो फोर रो वाला वर्जन है उसमें आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा स्पेस के साथ में पीछे की तीनों रोज के अंदर। और दोस्तों मैं बात करूं स्टीयरिंग व्हील की तो सिटी के अंदर आपको काफ़ी अच्छा फील होने वाला है, काफ़ी भरपूर वेट मिलता है। हालांकि जब आप इस गाड़ी को हाईवे के ऊपर लेकर जाएंगे तो आपको लगेगा कि स्टीयरिंग के अंदर और वेट डाला जा सकता था, हाई स्पीड के ऊपर वेट थोड़ा सा आपको कम फील होने वाला है। थोड़ा सा उल्टा है कि सिटी के अंदर नॉर्मली बाकी गाड़ियों में आपको स्टीयरिंग लाइट फील होता है और हाईवे के ऊपर टाइट फील होता है, बट यहाँ पर आपको थोड़ा सा उल्टा मुझे जो फील हुआ वो उल्टा हुआ कि स्टीयरिंग सिटी के अंदर तो थोड़ा टाइट है, वेट अच्छा है, हालांकि हाईवे के ऊपर थोड़ा सा लाइट फील हो रहा है। तो यहाँ पर थोड़ी सी किया मोटर्स को ज़रूरत है इस गाड़ी के स्टीयरिंग के अंदर हल्की सी ट्यूनिंग करने की। दोस्तों गाड़ी बनी है बड़ी फैमिलीज़ के लिए, गाड़ी बनी है जॉइंट फैमिली के लिए, गाड़ी बनी है, काफ़ी सारे लोग इसके अंदर फिट बैठ सकते हैं। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस वीडियो के फाइनल पार्ट की, इसके वर्डिक्ट पार्ट की। तो दोस्तों अब हमने फाइनली कर लिया है इस ड्राइव रिव्यू को पूरा और अब हम बताने वाले हैं वर्डिक पार्ट की। किया कार्निवल एक ऐसी गाड़ी है जो एक नया सेगमेंट स्टार्ट करेगी भारत के अंदर, सब 40 लाख रुपीस प्राइस सेगमेंट में एक लग्जरी एमपीवी का सेगमेंट आने वाला है भारत में। कीमत का एक अनुमान मैंने आपको पहले भी दिया है कि कुछ 30 से लेकर 38 लाख रुपीस के आसपास इस गाड़ी की कीमत रखी जा सकती है और उस प्राइस के अंदर ये गाड़ी काफ़ी एक अच्छा प्रोडक्ट साबित होने वाली है। 7, 8 और 9 सीटर ऑप्शंस आते हैं, 3 से लेकर 4 रो ऑप्शंस दिए गए हैं इस गाड़ी के अंदर। फीचर्स की भरमार है, सारे प्रीमियम फीचर्स जो लग्जरी सेगमेंट की सेडान्स के अंदर आते हैं वो फीचर्स आपको मिलने वाले हैं किया कार्निवल के अंदर। ड्यूल सनरूफ, ट्रिपल जोन एसी, ऑल फोर टायर्स के अंदर डिस्क ब्रेक, स्टैंडर्ड फीचर्स भी काफ़ी ज़्यादा दिए गए हैं इस गाड़ी के अंदर। एक बड़ी लिस्ट है स्टैंडर्ड फीचर्स की जो आपको मिलती है किया कार्निवल के अंदर। दोस्तों किया कार्निवल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर किसी को पसंद आने वाला है। जो लुक्स हैं इस गाड़ी की, जो फीचर्स मिले इस गाड़ी को, वो हर किसी को पसंद आने वाले हैं। और जिन कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट एक बड़ी गाड़ी की, तो किया कार्निवल उनके सब रिक्वायरमेंट्स को पूरी तरीके से फुलफिल करती है। ये गाड़ी एक परफेक्ट बैठती है उन कस्टमर्स के लिए जिनकी रिक्वायरमेंट है लग्जरी एमपीवी की और बजट कम है। वेलफायर और वी क्लास लगभग इससे 2 से 3 गुना प्राइस में आने वाले हैं। हालांकि सेल्टोस जैसे नंबर्स नहीं आएंगे इस गाड़ी के सेल्स में। अगर आप सेल्टोस की बात करें तो सेल्टोस 10,000 प्लस यूनिट्स बेच पा रही है आराम से किया मोटर सेल्टोस की। कार्निवल की मेरे को जो लगता है वो बिकने वाली है 800 से 900 यूनिट अगर इस गाड़ी की कीमत 26-27 लाख रुपीज़ के आसपास स्टार्ट हो जाती है। तो टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट जो ये सामने खड़ा है जिसमें ड्यूल सनरूफ और क्रोम व्हील्स के अलावा काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं, इसकी कीमत एक्सोरूम प्राइस 35 लाख रुपीज़ के आसपास रखा जा सकता है और उस कीमत में एक काफ़ी सक्सेसफुल प्रोडक्ट साबित हो सकता है किया मोटर्स के लिए कार्निवल। दोस्तों काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स ने पूछा था कि कार्निवल लें या इनोवा क्रिस्टा लें, तो दोस्तों दोनों ही गाड़ियों का कोई कंपैरिजन नहीं है, ना डायमेंशंस का है ना पावर फिगर्स का है। इनोवा क्रिस्टा एक सेगमेंट नीचे की गाड़ी है। इनोवा क्रिस्टा और कार्निवल का कंपैरिजन ठीक वैसा ही होगा जैसे रेनो की ट्राइबर और मारुति सुजुकी अर्टिगा के बीच में हम कंपैरिजन करें। दोस्तों दोनों ही अलग अलग सेगमेंट से बिलोंग करती हैं। इससे लगभग 500 मिलीमीटर छोटी है इनोवा क्रिस्टा। केबिन इंसुलेशन है वो काफ़ी अच्छा है इनोवा क्रिस्टा के मुकाबले और जो स्मूथनेस है इस इंजन की वो काफ़ी अच्छी है। हालांकि ये फ्रंट व्हील ड्राइव है, हिली एरिया में आपको ड्राइव करने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, अगर काफ़ी सारे लोग बैठे हैं थोड़ी सी आपको अंडर पावर लगेगी। इनोवा क्रिस्टा लगभग 150 PS के आसपास की पावर डिलीवर करती है, ये गाड़ी 200 PS के आसपास की पावर डिलीवर करने वाली है। उसके बावजूद भी आपको लगेगा कि कार्निवल में थोड़ी सी पावर की कमी है।
दोस्तों इस गाड़ी का जो स्टेयरिंग है उसके साथ में मुझे छोटी सी शिकायत है कि सिटी के अंदर तो काफ़ी अच्छा वेट है, बट जब आप हाईवे पर ड्राइव करते हैं, हाई स्पीड के ऊपर गाड़ी को ड्राइव करते हैं, तो आपको लगेगा कि वेट और डाला जा सकता था। उस स्पीड में आपको स्टेयरिंग थोड़ा सा लाइट फील होता है। हालांकि मज़ा आने वाला है, आप अकेले भी चला सकते हैं इस गाड़ी को। सिटी में आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है इसकी डायमेंशन की वजह से। दोस्तों मुझे उम्मीद है मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे पाया हूँ, और अगर मुझसे कुछ मिस हुआ है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। और इसी के साथ आपका होस्ट गौरव यादव इस वीडियो में आपसे विदा लेता है, मिलता है एक और वीडियो में बहुत जल्द। धन्यवाद दोस्तों।